नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत यमुना मिशन गौघाट मंगला आरती के साथ। द्वारकाधीश मंदिर के समीपवर्ती क्षेत्र में की जा रही है यमुना मिशन के द्वारा सोनी सेवा, जिसे देखकर स्थानीय नागरिकों और यमुना भक्तों में अति प्रसन्नता का भाव है। राधे, जय यमुना मैया की। रोज सुबह मैं यहाँ पर 5 बजे यमुना आरती करने के लिए आता हूँ। उस समय से 5 या 6 दिन हो गया, यहाँ पर बहुत गंदगी रहती थी इस रोड पर। आज मैंने, कल भी देखा, आज भी देखा, परसों सुबह भी देखा मैंने। एक कर्मचारी यमुना मिशन का, 2 कर्मचारी एक गली के अंदर थे, एक लड़का यहाँ पर था। तो मैंने उससे बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो आप? तो उसने बोला कि हम यमुना मिशन की आरती में सफाई करने के लिए आए हैं। तो मैंने बोला अच्छी बात है, आप लोग सफाई करते हो, यहाँ बहुत गंदगी रहती है, सुबह शाम कोई झाड़ू नहीं। कर्मचारी आते हैं सुबह 7 बजे पर, शाम को सुबह कर्मचारी नहीं आती है। तो यमुना मिशन जो एक चल रही है, बंसल जी चला रहे हैं पूरे ग्रुप को, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही विश्राम घाट आके, यहाँ से 100 मीटर पर विश्राम घाट है, वहाँ पर भी 2 आदमी यमुना मिशन हमारे सेठ जी लगवा दें तो बहुत अच्छा काम होगा। सुबह शाम वहाँ पर लग जाए, सुबह आरती के समय 2 लड़के लग जाए, सुबह 5 बजे 2 आरती में लड़के लग जाए सफाई के लिए। जैसे वो लड़के यहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे कि निगम की आदमी नहीं आती हैं, उससे पहले हमारे यमुना मिशन के लड़के साफ कर सफाई करके रोड को चमका के चले जाते हैं। बोलो यमुना मैया की जय। और आइए अब एक नज़र यमुना मिशन द्वारा की जाने वाली गौ सेवा पर भी। गौ सेवा नित्य प्रति ब्रज के प्रमुख क्षेत्रों में की जाती है, जहां गौ माता को प्रतिदिन चारे की सेवा की जाती है। गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन एवं ब्रज के विभिन्न क्षेत्रों में ये सेवा निरंतर जारी है। और न सिर्फ गौ सेवा बल्कि वानर सेवा तथा पक्षियों के लिए भी दाने की सेवा यमुना मिशन के द्वारा प्रतिदिन की जाती है। वर्तमान में यमुना के प्राचीन घाटों के साथ संत पथ, यमुना उपवन, महिला उपवन और कंस किले तक जो दिव्य सुगंधित वातावरण और सघन वृक्षों की हरियाली दिखती है, उसका कारण यह है कि वर्ष 2015 में सबसे पहले सभी नालों को चक्रतीर्थ की तरफ मोड़ दिए जाने के बाद प्राचीन घाटों से 30-40 फुट तक की कीचड़ निकाली गई थी और उसके बाद निकली हुई सिल्ट को खाद के रूप में प्रयोग करके बड़ी मात्रा में दुर्लभ पौधों का रोपण किया गया था। वही पौधे अब 7 साल बाद विशाल और सघन वृक्षों का रूप लेकर मथुरा के यमुना तट को दिव्य आभा से शोभायमान कर रहे हैं। यमुना मिशन के कार्य शुरू करने से पहले की दशा जो आप दिए गए फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, जहां छोटे बड़े नालों, कूड़े कचरे और गंदगी के अंबार लगे हुए थे, यमुना जी के अति प्राचीन जो पौराणिक घाट हैं उन्हें मलबे से ढककर अतिक्रमण कर लेने की तैयारी हो चुकी थी, जहां प्राचीन गऊ घाट का तो इतिहास ही मिटा दिया गया था। चक्रतीर्थ और गऊ घाट के बड़े नालों के अलावा अनेकों नाले नालियां इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमाए बैठे थे। यमुना जी की धारा दूर बहती थी और उसमें नालों का अति गंदा पानी लगातार गिरता था। इस क्षेत्र में इतनी दुर्गंध होती थी कि इस जगह से होकर निकलना पीड़ादायक अनुभव होता था। स्थानीय निवासियों ने अपने घरों से पलायन शुरू कर दिया था। आज जब यहाँ यमुना मिशन द्वारा 7 साल के अथक परिश्रम के बाद हरित श्रृंगार कर नरक से स्वर्ग बना दिया गया है, तो कुछ असामाजिक और यमुना द्रोही ये दुष्प्रचार करने में लगे हैं कि यमुना घाटों से दूर चली गई है। जबकि सच ये है कि स्वामी घाट के नाले से जो बहकर अभी भी जो गंदगी है वो यमुना जी में गिरती नालों के रूप में जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे प्रकृति के दुश्मनों को ना कोई असंतोष होता है और ना ही कोई ग्लानि होती है। यमुना मिशन के कार्य
न किसी से छुपाए छुप रहे हैं, क्योंकि अच्छे कार्यों की सुगंधि चहुं ओर फैल रही है। ऐसा ही मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी ने भी यहां आकर अनुभव किया। आइए देखते हैं पूर्व समय में आए हुए वृक्षारोपण की एक झलक। काफी साल तक रहने वाला, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। छोटा छोटा पेड़ पौधा लगाने से तो अच्छा है, बिग बिग वंस। एंड इस एरिया को सेफ गार्ड भी करता है पेड़ सब लगाने से, ज्यादा इंक्रोचमेंट न हो। बहुत मकान हो गया, मकान के लिए अलग जगह है। यमुना किनारे हम चाहते हैं नई सिंपल पल्ली पेड़ पौधा जैसा पहले जमाने में था, वैसा एक माहौल बनाना चाहिए, जिसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसा। और आइए अब आपको कराते हैं यमुना आरती के सांध्यकालीन दर्शन। रवि जी आप सुता हो केशव की पट रानी, मैया केशव की पट रानी, तुम्हारे यश को गावे, तुम्हारे यश को गावे नारद सुख ज्ञानी। और अब बता दें कल के तापमान के विषय में भी। कल का न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस। आसमान साफ रहेगा, आर्द्रता रहेगी 85%। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।